Okay, guys, what a beautiful tune this was. Asim Azhar alongside Mickey Singh, and it was In Love. But as I told you earlier, that we'll have some great, 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 great artist from Pakistan, and it is V2 band, the only girl band from Pakistan. Hamare saath maujood hain Maham aur Naina. Unse unke music ke hawale se baatcheet karenge. Unka jo abhi ek naya gana humne aapko play bhi karke sunaya tha, Tu Mila, is hawale se bhi baatcheet karenge. Iska video bahut zabardast hai jo mujh tak pahuncha hai. Is hawale se baatcheet karenge unke saath. To hamare saath rahiye, kahin mat jaiyega. Agar aapne bhi kuch puchna hai Maham se, Naina se, unke music career ke hawale se, koi gana unse live sunna chahenge, ज़रूर बताइएगा 07444202155 एंड फॉर योर फोन कॉल्स 01484817705. ओके, तो हमारे साथ मौजूद हैं माहम और नैना, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम माहम और नैना. सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, और फिर मुबारकबाद भी कबूल कीजिएगा कि आपने इतना जबरदस्त किस्म का ये गाना बनाया है. थैंक यू सो मच. सुनने वालों को माहम और नैना की तरफ से बहुत सलाम, गुड इवनिंग. आप सब लोग कैसे हैं? हम सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आपके गाने सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं. माशाल्लाह से ये जो आपने गाना है, ये तू मिला तो मुझे, क्योंकि मैंने इसे बहुत सर्च करने की कोशिश की, मुझे इंटरनेट पे नहीं मिला. तो मेरा ख्याल है अभी आपने ये गाना रिलीज़ नहीं किया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाना है, बहुत ही आई कैचिंग है, और हमने ये पूरे अपने रेडियो स्टेशन पर प्ले किया है, और बहुत से लोग इसकी फरमाइश भी कर रहे हैं. जी बिल्कुल, ये सॉन्ग रिलीज हो चुका है. आप दोबारा से अगर नेट पे सर्च कीजिएगा, तू मिला तो मिली, पाकिस्तान में बहुत धूम मचाई इस सॉन्ग ने. बिल्कुल ऐसा, और इस सॉन्ग ने पाकिस्तान में मचाई, और अभी पिछले ही महीने हम लोग दुबई में कॉन्सर्ट करके आए हैं, इंडिया पाकिस्तान के सिंगर्स थे उसमें, और दुबई में भी इस सॉन्ग ने बहुत ज्यादा धूम मचाई. और बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के कि यूके के लोग जो है वो भी बहुत पसंद कर रहे हैं. बिल्कुल जी, यूके के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं. अच्छा, इस हवाले से ये बताइएगा माहम और नैना, आप दोनों, कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे एक बॉयज बैंड बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एक लड़कियों का बैंड बनाना कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए, और पाकिस्तान का वाहिद गर्ल बैंड कहलाना आपके लिए कैसे ऑनर की बात है? जी, बहुत एजाज की बात है हमारे लिए ये. तो जी बिल्कुल ऐसा ही है. मुश्किलें तो हर काम में आती ही हैं, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में, आप सही बात कह रहे हैं कि बॉयज़ बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, और गर्ल्स बैंड जो है ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान की में शायद ये थर्ड बैंड है, बिकॉज आज से 25 इयर्स बिफोर जो था वो गर्ल्स का बैंड था, और आफ्टर 25-20 ईयर्स के बाद गर्ल्स का बैंड आया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है हम लोगों को, और सब लोग बहुत खुश हैं कि हमारी वजह से और भी जो सिस्टर्स हैं खासकर, क्योंकि नैना जो है, नैना और मैं, हम दोनों सिस्टर्स भी हैं, और इसलिए लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोगों से इस बैंड की वजह से, कि जो सिस्टर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिल रही है, आगे आए और मिलके काम करें, सिंगिंग करें. अच्छा माहम, ये बताइएगा कि आपकी फैमिली इस थ्रू आउट जो आपकी जर्नी रही उसमें कितनी सपोर्टिव रही, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे बैरून मुल्क यही समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में लड़कियों को ऐसी सपोर्ट वालदैन की तरफ से नहीं मिलती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अदाकारी, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, व्हेन इट कम्स टू स्टफ लाइक दैट. तो आप क्या समझती हैं कि आपकी फैमिली की आपकी सपोर्ट कैसी रही? नहीं, ऐसी बात नहीं, शायद ये ख्यालात हैं, ये थोड़े पुराने हो चुके हैं, बिकॉज जब नैना ने स्कूल ख़त्म किया था, नैना और मैंने, तो मैं टीवी में थी तब से, क्योंकि मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट ही काम कर रही थी, और नैना जो है वो सिंगिंग की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था, और नैना का जो पूरा फोकस था वो सिंगिंग की तरफ था, और हमारे पेरेंट्स ने, स्पेशली हमारी मदर ने, बहुत ज़्यादा बहुत हमें सपोर्ट किया, कि बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि हमें और आगे काम करना चाहिए. और इसी तरह जब मैं एज काम कर रही थी, एज ए मॉडल काम कर रही थी, इसलिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने मुझे, और अब हम एज ए सिंगर काम कर रहे हैं तो हमारी फैमिली अभी भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है. और पाकिस्तान की जो बाकी फैमिली भी हैं, अगर चाहे वो एक्टर्स देखें या एक्ट्रेसेस देख लीजिए आप, या सिंगर्स भी
फीमेल सिंगर्स देख लीजिए, अब रुझान बदल गया काफी, तो लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज को काफी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चियों को कि वो आगे आए और अपना हुनर। सही, इसमें ही चले एक और सवाल ऐड कर लीजिए कि जब आप लोगों ने अपने करियर का आगाज किया तो क्या इंडस्ट्री ने आपको बहुत आसानी से तस्लीम कर लिया, क्योंकि आप कह रही हैं कि वालदैन की तो परसेप्शन जो है वो तब्दील हुई है, क्या इंडस्ट्री की परसेप्शन भी चेंज हो चुकी है? जी ऐसा है कि जो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक साथ देने वाले हैं उन, क्योंकि मैं एज एक्ट्रेस और मॉडल पहले से ही काम कर रही थी आफ्टर मैट्रिक 10th क्लास के बाद से ही, और सिंगिंग सीख रही थी, तो जब हमने एज ए सिंगर हम दोनों ने अपना बैंड बनाया तो हम लोगों को इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, इंडस्ट्री ने भी और पाकिस्तान के लोगों ने भी माशाल्लाह हमारे सॉन्ग बहुत पसंद किए गए, क्योंकि ये बहुत फेमस सॉन्ग थे, क्योंकि ये नूरजहां के जो तो बहुत ही मिल, और हमें ज्यादा सपोर्ट तो फैमिली से रही और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, तो बहुत अच्छा और लोगों को आना चाहिए, और खासकर जो सिस्टर्स हैं, पहले घबराया जाता था, फैमिलीज घबराती थी, बहुत परेशान होती थी कि पता नहीं लड़कियों के लिए ये फील्ड अच्छी है या शोबिज अच्छा नहीं है, इन्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए या सिंगर बनना चाहिए, लेकिन अब ये थिंकिंग जो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं फीमेल्स को भी एज ए बैंड, हमारा फीमेल का बैंड है तो बहुत पज़ीराई मिली, बहुत अच्छा लग रहा जी। सही, महम ये बताइएगा, जैसे कि आपने मैडम नूरजहां का जिक्र किया और आपका गाना है तू जो मेरे हमेशा कोल रवें, थोड़ा सा हमें वो गुनगुना के सुना भी दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि फ्यूचर में कोई आपका ऐसा कोई और कवर वर्जन गाने का इरादा है किसी भी, लाइक नूरजहां का, लता जी का, आशा जी का, कुछ ऐसा कोई आपका फ्यूचर में प्लान है? लेकिन जो ही आप ये बता दीजिए प्लीज़ हमें ये सुना भी दीजिएगा तू जो मेरे हमेशा कोल रवें। जी जी, हम दोनों आपको बिल्कुल सुनाते हैं ये सॉन्ग जी। बिल्कुल, और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम बचपन से मैडम नूरजहां को सुनते आ रहे हैं, वो तो वर्ल्ड फेमस है माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में उन्हें सुना जाता था, और अब भी जब हमने ये कवर सॉन्ग किया तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतनी ज्यादा पजीराई मिलेगी, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन जब हम लोगों ने ये कवर सॉन्ग किया और ये ऑन एयर हुआ और हम जब कॉन्सर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो ये सॉन्ग जो है हम परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो जो यंगस्टर्स हैं जो मतलब हमसे भी छोटे हैं 9th 10th के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उन लोगों को भी ये गाना अभी तक आता है और वो हमारे साथ गाते हैं इस गाने में, नाचते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, और इंशाल्लाह हम लोग लता जी के भी सॉन्ग्स जो हैं वो कर रहे हैं और मजीद, और मैडम नूरजहां के भी सॉन्ग्स हम आगे करते रहेंगे, और ये हमारा फेवरेट सॉन्ग भी है, बिल्कुल हम आप सबको ये सॉन्ग जो है थोड़ा सा गुनगुना के सुना देते हैं। जी जरूर जरूर जी। तुझे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, तुझ मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। अरे वाह वाह वाह, जिंदगी ये होर मेरे कोल किए, दस मैनू मैं की कोल तेरे आ गईया, लगिया ने भा गईया, मर जाऊंगी तेरे बिना, तुझे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। जी क्या बात है, जी क्या बात है, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, क्या बहुत ही ज़बरदस्त सा गाना आपने गुनगुनाया, और यकीनन हमारे सुनने वालों को भी बहुत पसंद आया है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ सवालात भी आ रहे हैं, उन सवालात को भी शामिल करते हैं। सबसे पहले तो सवाल किया गया है आपसे आसिफ महमूद की जानिब से, जो पूछ रहे हैं कि आपका ये जो बैंड है पाकिस्तान में कौन से सिटी बेस्ड है, इस्लामाबाद बेस्ड है, लाहौर बेस्ड है या कराची बेस्ड है? सॉरी प्लीज, सवाल ये कर रहे थे कि आपका आपका बैंड जो है कौन से सिटी बेस्ड है? लाहौर, लाहौर बेस्ड। अच्छा,
लाहौर बेस्ड है. अच्छा, और आरिफ साहब ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप म्यूजिक की आपने तालीम हासिल की है, अगर आपने तालीम हासिल की है तो कौन आपके उस्ताद कौन है? जी, हमारे उस्ताद रऊफ साहब हैं और हमारे डायरेक्टर जो है उन्हें भी हम उस्ताद मानते हैं क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं, तो वो इमरान हयात साहब है और हमारे मतलब बहुत लोग सीखते हैं उनका डायरेक्टर करते, तो हम अपने आप को जी. माहम, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है. अच्छा, आमिर, आपकी आपका जवाब थोड़ा सा कट गया था शायद, अगर आप दोबारा बता दीजिए. आपने आपने उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब का नाम लिया और दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आप ले रही थी जब हमारी लाइन कटी थी. जी बिल्कुल, हम अब्दुल साहब हमारे उस्ताद हैं और वो भी हमारे उस्ताद हैं क्योंकि इन दोनों के बिना गाना गाना नामुमकिन था. उस्तादजा के बिना तो कुछ भी नहीं है. ये दो बहुत फेमस बेशक बेशक इन लोगों के और भी बहुत सारे हैं, शागिर्द हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी. अब अक्सर अगर आप पाकिस्तानी रेडियो सुने या अखबार हो तो अब्दुल रऊफ साहब और राणा साहब के बहुत सारे शागिर्द हैं. बिल्कुल, और कल हमारे साथ ही थी एक आर्टिस्ट, वो भी अब्दुल रऊफ साहब की ही शागिर्द थी और उनका नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया, लेकिन कल भी हमने उनका इंटरव्यू किया था और वो भी जी जी ईमान फातिमा, बिल्कुल ईमान फातिमा थी हमारे साथ कल. अच्छा माहम, हमारे पास एक और सवाल आ गया है आमिर हैदर का, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है. माहम, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है. जी अच्छा माहम, आमिर साहब का ये सवाल है, कह रहे हैं कि जब आप म्यूजिक चूज करती हैं नूर जहां का कोई भी गाना, ये तो आपने कहा कि आपका फेवरेट है, लेकिन जो आपका कोई फ्यूचर में ऐसा कोई गाना आ रहा है तो उसमें आपकी कौन मदद करता है, घर वाले या उस्ताद जी, कौन आपकी मदद करते हैं वो गाना चूज करने में? और फिर जाहिर बात आप उसकी तैयारी करते होंगे, तो इस सारे प्रोसेस में कौन आपकी मदद करता है? तनवीर, ऐसा है कि जब एक सॉन्ग रेडी हो रहा होता है सबसे पहले तो हम लोग उसकी जो है पोइट्री पे कंसंट्रेट करते हैं कि पोइट्री अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद फिर हम म्यूजिक की तरफ जो है पूरा फोकस होता है और इस उस्ताद साहब जो अब्दुल रऊफ साहब डायरेक्टर मिस्टर इमरान हयात हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि हम लोग अभी कि हम लोग अभी न्यू कमर्स हैं क्योंकि सीखना तो सारी जिंदगी रहता है, लेकिन ये दो लोग हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं और हम लोग हैं जो मिलके बैठते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से जो है आगे करना है. सही. हमारे पास एक और सवाल आया है, साकिब चौधरी पूछ रहे हैं कि आपका म्यूजिक में रोल मॉडल कौन है जिसकी वजह से आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना शुरू किया है, कौन है आपका रोल मॉडल? जी वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फेवरेट हैं, फीमेल सिंगर्स भी और मेल सिंगर्स भी. पाकिस्तान से मैडम नूर जहां तो को मुझे को हम दोनों को बहुत पसंद है क्योंकि हम बचपन से क्या बात थी उनकी, वो हमारी लेजेंड है. और हमें पाकिस्तान से भी जी जी जो है वो लता जी है, आशा जी है. सही. तो फ्यूचर में वही पूछा जा रहा है, एक और सवाल आया कि फ्यूचर में आप दोनों बहनें कोई गज़ल या कोई सूफी टाइप का गाना गाना चाहती हैं. आमिर उस्मान सरवर का ये सवाल है, वो कह रहे हैं कोई फ्यूचर में आप गज़ल या कोई इस किस्म का म्यूज़िक भी करना चाह रही हैं या सिर्फ आप स्ट्रिक्टली नूरजहां साहिबा के ही अंदाज में गाना चाह रही हैं फ्यूचर में? स्टार्ट मैडम नूरजहां से, मैडम नूरजहां के गाने के भी इंशाल्लाह गाते रहेंगे और हम लोग इस वक्त स्टूडियो में ही हैं. हम लोग जो है उसी से काम करेंगे इंशाल्लाह. आजकल हम अपनी जो गजल है उस पे ही काम. तो क्यों ना जरा थोड़ा सा गजल का ये जो एक्सक्लूसिव पैटर्न है हमारे सुनने वालों को सुना दिया जाए ताकि
किसी भी और रेडियो, किसी भी और दुनिया में किसी और ने ये पैटर्न ना सुना हो, और हमारे जो सुनने वाले हैं वो आपकी इस गजल को सुन लें। सबसे पहले बेसिकली अभी हम सुना नहीं सकते क्योंकि अभी हम लोगों की वो कंप्लीट नहीं है, वो तो जब रिलीज होगी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ। और चले कोई अपनी मर्जी की गजल सुना दें, वो यही कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि हम, उन्होंने आपसे गजल सुननी है, वो कह रहे हैं अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की कोई गजल सुना दें अभी। जी जी बिल्कुल जरूर जरूर। ये मशगला है किसी का ना, जाने क्या चाहे। ये मशगला है किसी का ना, जाने क्या चाहे। ना फासलों को मिटाए ना फैसला चाहे। ये मशगला है किसी का, जाने क्या चाहे। अरे वाह जी, कैसी लगी आप? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं तो मेस्मराइज हो गया था, इतनी जबरदस्त आपने ये गाई है। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल आया है यहाँ पे, उस्मान नदीम साहब का सवाल है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आपका फ्यूचर में जिस अंदाज से नूरा लाल सिस्टर्स गाती हैं, ऐसा कोई यूके का टूर करने का इरादा है? क्योंकि वो नूरा लाल जी के बहुत बड़े नूरा सिस्टर्स के सॉरी बहुत बड़े फैन हैं, और वो कह रहे हैं कि वो दोनों बहनें जिस अंदाज में गाती हैं, कोई इस किस्म का कोई इरादा है आपका कवाली टाइप करने का? बेसिकली तनवीर, ये बात है कि उन लोगों का माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सिंगर्स हैं, वो भी उनका अपना स्टाइल है और अपना जॉनरे होता है सबका, डिफरेंट डिफरेंट। तो हमारा कवाली वाला जॉनरे तो नहीं है, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे अपने फैंस के लिए कि हम फ्यूचर में कोई कवाली जो है वो कर सकें। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग दोनों सिस्टर्स का बैंड है, तो वो तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते ही रहेंगे। सही, ओके। हमारे पास एक और सवाल यहाँ पे आ गया, इरफान भाई हमें सुन रहे हैं मैनचेस्टर में, वो कहते हैं कि आपका कोई यूके का टूर है फ्यूचर में, कोई आने का इरादा है, और अगर आ रही हैं तो ज़रूर बताइएगा कब आ रही हैं ताकि वो आपको सुनने के लिए पहुँच जाएं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मार्च में कुछ शोज हैं यूके के, और हम लोग इंशाल्लाह मार्च में आ रहे हैं ज़रूर। सब लोग इनवाइटेड हैं, प्लीज हमारे कॉन्सर्ट में आइए और पाकिस्तानी जो है सिंगर्स को प्रमोट कीजिए, पाकिस्तानी बैंड्स को प्रमोट कीजिए, पाकिस्तानी म्यूजिक को प्रमोट कीजिए। सही, शमीम जी का सवाल है, ब्रैडफर्ड में आपको सुन रही है, वो कह रही हैं कि कोई ये दो गाने तो हमने हमारे पास दो ही मौजूद थे आपके गाने में, माजरा चाहता हूँ, एक तो तू जो मेरे और तू मिला, तो वो कह रही हैं इसके अलावा आप कोई किसी एल्बम पे काम कर रही हैं इस वक्त, और अगर एल्बम पे काम हो रहा है या किसी सिंगल पे काम हो रहा है तो ज़रा एक्सक्लूसिव सा हमें कुछ सुना दें, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। शमीम जी का सवाल है ये ब्रैडफर्ड से। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त स्टूडियो में ही हैं अपने, और हम लोग अपने एल्बम पे ही काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर कुछ टाइम के अंदर आपको वैरायटी मिलेगी, कुछ गजल्स मिलेंगी अंदर, कुछ डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। तो अभी हम जो है वो अपनी एल्बम से कुछ सुना नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने अभी रिलीज नहीं की है। अभी कवर सॉन्ग्स जो है हम फिलहाल सिर्फ वही सुना सकते हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में हमारी एल्बम रिलीज हो जाएगी तो वो फिर सब सुन सकेंगे इंशाल्लाह। शमीम जी का ही सवाल दोबारा से आया कि कह रही हैं कि जब आपकी एल्बम रिलीज़ होगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा, तो कोई अगर आपका कोई सोशल मीडिया फोरम है तो उस पर बता दीजिए उन्हें, ताकि वो आपके साथ आपको फॉलो कर सकें और आपके जितने भी नए गाने आ रहे हैं उन्हें भी फॉलो कर सकें। जी बिल्कुल, माहम जे पाशा के नाम से यूट्यूब पेज है हमारा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकें तो आपको हमारे जो आने वाले सॉन्ग्स वगैरह हैं और हमारी जो आने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में पता चलता रहेगा।
सही। सफीना जी का ये सवाल है, सफीना जी पूछ रही हैं कि माशाल्लाह से, मैं वो सवाल पूछ चुका हूँ लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट अंदाज में पूछा है। वो कह रही हैं कि जब आप पूरे मुल्क में जाती हैं और आपको एक गर्ल बैंड के हवाले से जाना जाता है, तो आपको बताइए अपने मुल्क में ये डिफरेंट सा एजाज कैसा लगता है? सफीना जी यही सवाल पूछ रही, जिससे मिलता जुलता सवाल मैंने पहले आपसे पूछा, तो वो कह रही थी कि एज अ गर्ल बैंड जब आप पूरे पाकिस्तान में टूर पे जाती हैं, तो ये मुख्तलिफ सा मुनफरिद सा अंदाज आपको अपने लिए कैसा अच्छा लगता है कि लोग आपको कहते हैं कि आप पाकिस्तान की वाहिद गर्ल बैंड हैं? जी बिल्कुल, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगता है और इस वजह से लोग जो है हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे फैंस भी। इस वजह से मुझे और नैना को लगता है कि ये प्यार जो है वो डबल ट्रिपल हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत फख्र महसूस होता है। बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स में से गर्ल्स बैंड पाकिस्तान से नहीं है। इवन जब हम लोग दुबई कॉन्सर्ट करने गए थे तो वहाँ पे भी सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग हमें डबल डबल प्यार कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान से गर्ल्स बैंड बहुत अरसे के बाद कहीं बाहर ममालिक में जो है वो कॉन्सर्ट करने गया था, तो इसलिए हमें बहुत मजा आता है और हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान से गर्ल्स बैंड जो है वो कहीं जा रहा है। सही। कोई दुबई में आपका कोई आने वाला शो, ताकि हमारे बहुत से लिसनर्स हैं जो दुबई में सुन रहे होते हैं, तो अगर उन्हें बताना चाहें आपका कोई आजकल में कोई महीने दो महीने में कोई दुबई का टूर दोबारा से आ रहा है, कहीं आप परफॉर्म करने वाली हैं? जी जी बिल्कुल, दुबई का हमारा टूर आ रहा है इंशाल्लाह एंड ऑफ नवंबर एंड स्टार्ट ऑफ दिसंबर। हमारे तीन शोज हैं वो एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर के स्टार्ट में और मिड ऑफ दिसंबर में हमारे तीन शोज हैं दुबई में, तो हमें वहाँ पे भी हमारे जो फैंस हैं हमें प्यार करने वाले हैं सब लोग सुन सकेंगे। सजाद भाई का सवाल आया, वो पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ बैंड के तौर पे ही गाएंगे कि अगर आपको प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला तो क्या आप प्लेबैक सिंगिंग भी करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, जरूर करेंगे। बिल्कुल, ये तो एक सिंगर का ख्वाब होता है कि वो प्लेबैक सिंगिंग करे। अभी हम लोगों का कुछ टाइम से स्टार्ट है, इतनी पजीराई मिल रही है और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और हमारे चाहने वाले भी यही दुआ करते हैं कि हमें प्लेबैक सिंगिंग करने का भी मौका मिले और हम इंशाल्लाह प्लेबैक सिंगिंग भी जरूर करेंगे। सही। और एक और सवाल आया, वो कह रहे हैं कि हमने आपका वीडियो देखा है तू मिला, और उसका वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, तो आपने ये वीडियो आपने खुद बनाया है? मतलब है कि उनका सवाल ये है कि ये वीडियो आपने खुद बनाया है, मीन कि आपने खुद डायरेक्ट किया है या किसी ने डायरेक्ट किया है? जी बिल्कुल, एक वीडियो बनाने में, पहले तो एक सॉन्ग बनाने में काफी ज्यादा लोगों का हाथ होता है, उसके बाद एक वीडियो बनाने के लिए उससे भी डबल लोगों का हाथ होता है पीछे। तो ये जो हमारी वीडियो है ये इमरान हयात साहब हमारे डायरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान के बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। ये सारी वीडियो जो है ये मिस्टर इमरान हयात ने डायरेक्ट की हुई है। सही। और आपका जो म्यूजिक है इस गाने का वो किसने तरतीब दिया है? जी जो म्यूजिक है वो इमरान अली ने बनाया हुआ है हमारे सॉन्ग्स का, और जो डायरेक्शन है वो मिस्टर इमरान है आपने की हुई है। सही। मोहम्मद अली का ये मेरा ख्याल है ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि हमारे पास भी वक्त बहुत कम रह गया। मोहम्मद अली आपसे ये सवाल करें कि आप दोनों इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेती हैं, और अगर बजा लेती हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हैं? नहीं, हम सोच रहे थे, बल्कि अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने उस्ताद को कह रही थी कि हमें चाहिए कि हम हारमोनियम थोड़ा सा सीखे, सीखना स्टार्ट कर दें, तो अब इंशाल्लाह मेरे ख्याल से हारमोनियम बजा सकेंगे हम कुछ टाइम के अंदर इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी फिलहाल कोई खास इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम नहीं, क्योंकि गाना ही गा लें तो वो आपको पता है कि काफी ये फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट मे बी आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में इंशाल्लाह। महम और नैना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस एल्बम पे आप काम कर रही हैं जो ही वो एल्बम रिलीज़ होती है तो हम आपको एक बार फिर से जहमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और प्लीज़ अपनी जितनी भी आपकी स्नैपचैट इंस्टाग्राम फेसबुक सभी डिटेल्स बता दीजिए ताकि जितने भी सुनने वाले हैं वो आपको फॉलो कर सकें। ये जल्दी से बता दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, और आपका कोई भी मैसेज हो जो आप यहाँ पर सुनने वालों को देना चाहें वो भी जल्दी जल्दी प्लीज़ दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि फेसबुक पेज जो है वो महम जे पाशा, महम स्पेस जे
एंड स्पेस पाशा लिखिए, यूट्यूब पे पेज है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से माहम जे पाशा के नाम से पेज है, आप हमारी सारी एक्टिविटीज जो हैं उस पे देख सकते हैं, हमारे अपकमिंग शोज जो हैं वो भी उस पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ तनवीर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मैं यूके का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने हमें सुना और पाकिस्तान के सिंगर्स को पसंद करते हैं सब वहाँ पे, और खासकर उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन लोगों ने हमसे इतने ज्यादा सवाल पूछे, क्योंकि वो लोग जो हैं वो आपका शो पसंद करते हैं और पाकिस्तानी सिंगर्स को सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और अल्लाह पाक से दुआ करूंगी कि सभी लोग जो हैं वो खुशी से और सबको लंबी जिंदगी और खुशियां मिलें। आमीन सुम आमीन। आपस में मोहब्बत करिए और बिल्कुल नफरत जो है उसे भूल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत सी तरक्कियां दे और यूं ही आप हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे गाने लेके आती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। और ये हमारे साथ मौजूद थी माहम और नैना, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और बहुत ज़बरदस्त सी गपशप हुई उनके साथ और आप सभी लोगों ने भी उनके गाने एंजॉय किए, इतनी अच्छी अच्छी बातें उनकी एंजॉय की। लिए चलते हैं आपको इस छोटे से गाने की तरफ जो आपके लेके जाएगा न्यूज़ ब्रेक की जाने। वापस आएंगे तो मजीद आपसे गपशप होती है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रेडियो संगम 107.9 FM। दिलों